के बैतूल जिले के मुलताई नगर के साकेत लॉन में दोपहर निष्पक्ष पत्रकारिता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एबीएम ग्रुप के डायरेक्टर लोकेश गीतकर द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सक्रिय पत्रकारों को आमंत्रित कर उनका सम्मान भी किया गया। सम्मान समारोह में प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के माध्यम से कार्य कर रहे पत्रकारों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। इसके बाद एबीएम ग्रुप के डायरेक्टर लोकेश गीतकर द्वारा उपस्थित पत्रकारों से मुलताई नगर के विकास को लेकर सुझाव पूछे गए, जिस पर उपस्थित पत्रकारों ने मुलताई नगर के विकास के संबंध अपने विचार रखे। वहीं लोकेश गीतकर ने बताया कि मैं ताप्ती नगर में जन्मा हूँ और इंदौर को मैंने अपने कार्यक्षेत्र बनाया है। आज मैं मुलताई नगर के विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं पूरी टीम तैयार कर रहा हूँ। मुलताई के लोगों को अच्छा रोजगार, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरह उज्जैन में महाकाल लोक बना है, ठीक उसी तरह मुलताई में भी ताप्ती लोक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस पर काम चालू है। कोविड के समय में सफाई कर्मी और पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया, उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया और आज इसी घड़ी में नगर के चौथे स्तंभ के रूप में काम करने वाले पत्रकारों को भी सम्मानित कर गर्व महसूस कर रहा हूँ। वहीं कार्यक्रम में सभी पत्रकारों ने अपने विचार रखे एवं सम्मान समारोह आयोजित करने के लिए धन्यवाद भी प्रस्तुत किया गया। मैंने ये सम्मान समारोह इसीलिए रखा है क्योंकि हमारे यहाँ की जो मुलताई क्षेत्र की मीडिया है, ये निष्पक्ष तरीके से यहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग करती है। इस रिपोर्टिंग से बहुत आम जनता को फायदा मिलता है और आगे भी मैं यही आग्रह करूँगा हमारे पूरे मीडिया साथी गणों से कि निष्पक्ष, जो सही है उसे सही बताए, जो गलत है उसे गलत बताए। बस ये पत्रकारिता अगर हमारे यहाँ पे हो गई तो ये इस क्षेत्र के विकास को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारे विकास यहाँ पे करने में। मेरा एक प्रोजेक्ट प्लानिंग है हम लोग की कि जब महाकाल लोक बन सकता है उज्जैन में महाकाल के लिए, तो हमारे यहाँ पे माँ ताप्ती है तो यहाँ ताप्ती लोक क्यों नहीं, जब महाकाल लोक बन सकता है तो ताप्ती लोक क्यों नहीं। हमारे यहाँ इतनी अच्छी चीज़ है पर्यटन के लिए। हम लोग आज बोल रहे हैं कि मुलताई को जिला बनाओ। ऑलरेडी मुलताई जिला बनने का स्ट्रेंथ रखता है। हम लोग इतना अच्छा मुलताई को कर सकते हैं कि ऑलरेडी वो घोषित जिला है, बोलने की जरूरत ही नहीं है हमें। और थोड़ा सा शीर्ष नेतृत्व जो है यहाँ का, अगर वो स्ट्रांग हो जाए तो यहाँ के डेवलपमेंट को नहीं रोका। तो क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ माँ ताप्ती के नाम पर राजनीति करते हैं, कार्य कुछ नहीं करते? देखिए, मैं किसी पर टिप्पणी तो नहीं कर सकता क्योंकि आम जनता और आप सभी लोग समझते हैं मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग सब समझते हैं, सब लोग अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। मैं अपने स्तर पर काम कर रहा हूँ, मैं कुछ राजनीति में आने के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ। मुझे मेरा भाव था कि मुझे ये करना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आज ये बताइए कि मीडिया का सम्मान नहीं होना चाहिए क्या आपकी नज़र में? क्या मीडिया सम्मान लायक नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या मीडिया यहाँ पे इतना अच्छा काम कर रही है, सब चीज़ें कर रही है, तो उनका सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सफाई कर्मियों का सम्मान होना चाहिए कि नहीं? पुलिस बल यहाँ पे कोरोना में इतना उनकी ड्यूटी दिया, उनका सम्मान नहीं होना चाहिए क्या? बताइए, मैं वो हर चीज़ कर रहा हूँ तो वो क्या गलत है क्या? तो मेरे योजनाएं जो है वो आम जनता के लिए है। आम जनता डायरेक्ट वो आज उसका लाभ लेते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ ये चीज़। आप सतत समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और इस सतत समाज सेवा के कार्य में आपको कई उतार चढ़ाव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो आप कुछ उस विषय में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, कठिनाइयाँ तो क्यों नहीं आती है, कठिनाइयाँ तो आना चाहिए, उससे सीखने को मिलता है। मैं तो चाहता हूँ कि कठिनाइयाँ और आए, कठिनाई आएगी तो ही लोगों के चीज़ें पता लगती कि कौन आदमी। देखिए, सच्चे आदमी को डर नहीं होता किसी चीज़ का, जो सही होता है उसको किसी का डर नहीं। और माँ ताप्ती की कृपा है अपने पे, और मैं तो बोल रहा हूँ ना, ताप्ती जी का जल लेकर के मैं कह सकता हूँ कि मैं क्लीन हार्ट हूँ और क्लीन हार्ट से ही यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा मतलब मानसिक इसमें वो नहीं है कि मैं अपनी कंपनी को लाऊंगा और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। सिर्फ ये है कि मुझे यहाँ का डेवलपमेंट चाहिए, माँ ताप्ती जी के लिए यहाँ का विकास चाहिए। क्या मुलताई में अभी तक के मुलताई प्राधिकरण हो जाना चाहिए था? अभी तक के हुआ क्या? नहीं हुआ है। ये होना चाहिए था, बेसिक मुद्दे हैं, ये सब चीज़ें होने चाहिए थे। स्वास्थ्य व्यवस्था अपने अच्छी नहीं है, प्राधिकरण अभी तक के हमारे हुआ नहीं है। शिक्षण व्यवस्था है यहाँ पे, आप देख ही रहे हो शिक्षण व्यवस्था, सरकारी स्कूल को तो अपन बना नहीं रहे, न जाने प्राइवेट नए नए स्कूल और खुलते जा रहे हैं। मानते मेरी बात आप लोग? दूसरी चीज़ ये भी है कि सफाई हो गया, ये शिक्षा हो गई, रोजगार के लिए काम करना चाहिए। रोजगार के लिए आज यहाँ पे सब लोग अपना पर्सनल कार्यक्रम निपटाने में लगे हैं। मैं उन सभी मुलताई के क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूँ और आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपके किसी कार्यक्रम में नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी G20 चल रहा था उसमें वहाँ लोगों से मिलने में लगा हुआ था और न जाने
मैं निरंतर आप लोग के डेवलपमेंट के लिए मैं लोगों से मिल रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोग के पास नहीं आ रहा हूँ। इसका रिजल्ट आपको आज नहीं लेकिन भविष्य में जरूर समझ में आएगा कि आप उस समय ये समझेंगे कि मैं आपसे मिल करके यहाँ पे आपसे व्यवहार तो निभा लूंगा लेकिन आप लोग को उल्टा मैं गड्ढे में धकेलने का काम कर रहा हूँ। उससे अच्छा कि मैं क्यों ना आप लोग के लिए काम करूँ और करके बताओ, तब आप मुझे बोलेंगे कि हाँ कि काम अभी हुआ है। तो इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ आपके पास में, तो इसको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये पत्रकारिता का सम्मान हमने इसीलिए रखा था कि हमारे यहाँ के जितने पत्रकार गण हैं वो सभी सम्मानित करने लायक है, इसलिए उनका सम्मान होना जरूरी है। जो कोई काम नहीं कर रहा तो वो लोकेश गीतकर करके बताएंगे आपको।